अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप कैरियर से होंगे। चलिए अपना सिलेबस खोलें, देखते हैं कि आज हमने कहाँ से कहाँ तक काम करना है। सफा नंबर 23 देखें, सवाल नंबर 11 लिखेंगे आज। सवाल नंबर 11 देखें, दिए हुए मौजू पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। तहरीर में मुहावरात का भी बरमहल इस्तेमाल करें। करो मेहरबानी तुम अहले जमीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो बच्चों ये मजमून आप कर चुके हैं, इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और याद भी करना है। आगे देखें सपा नंबर 27, अहम अल्फाज। ये अहम अल्फाज हैं, इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। आगे देखें सपा नंबर 32, सवाल नंबर 5 और 7 लिखेंगे। सवाल नंबर 5 देखें, दिए हुए अल्फाज में से इसम आरफा और इसम नकरा अलग अलग करें। ये इसम आरफा और इसम नकरा यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको अलग अलग करके हमने यहाँ लिखना है। इसम आरफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं और इसम नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसम आरफा लिखेंगे। सर सैयद अहमद खान, इंजील, चीन, बागे चीना। इसम नकरा है किताब, गांव, बल्ब, आदमी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 लिखना है हमने, हमारा वतन हमारी पहचान है के मौजू पर 10 जुमले लिखें। तो ये आपने मजमून जो है वो याद किया है, इस पर आपने 10 जुमले जो है वो लिखने हैं। आगे सपा नंबर 33 पर आए मजीद जानिए लिखेंगे। कुरान मजीद में इरशाद है, और जब वो वादा करते हैं तो अपने वादों को पूरा करते हैं, इसका सवाल लिखें। कुरान मजीद में वादा पूरा करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। इसका सवाल लिखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा पूरा ना करने वालों के बारे में क्या फरमाया? आगे सफा नंबर 37 पर सवाल नंबर अलिफ और ब करेंगे। सवाल नंबर अलिफ देखें, मोमिन की कौन कौन सी निशानियां हैं? इसका जवाब देखें, मोमिन की 3 निशानियां होती हैं। वो हमेशा सच बोलता है, अमानत में खयानत नहीं करता, हमेशा वादा पूरा करता है। आगे देखें, अब्दुल्ला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इसका जवाब देखें, आपने फरमाया, मैं 3 दिन से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आगे सफ़ा नंबर 38 पर सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7 देखें, दिए हुए मुज़क्कर के मौनस और मौनस के मुज़क्कर लिखें। वालिद, वालदा, उस्तानी, उस्ताद, भाई, भाभी, शायरा, शायर, आलिम, आलमा। तो बच्चों आज यहाँ तक हमारा काम है, इसको आपने अच्छे से लिखना है, याद करना है। दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।